Next topic for partnership account is past adjustment. Okay, अब सबसे पहले what do you understand by past adjustment? वो हम समझेंगे. Past adjustment होता है आपका जब आपने सारी entries को add कर लिया, उसके सारे complete हो गए accounts और उसके बाद आपको पता चलती है कि कोई mistake रह गई. जैसे हम अपने 11th class में trading account and profit and loss balance sheet में करते थे कि सारे जो हैं अकाउंट हमें हमने बना लिए, लेजर हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें पता चलता है फाइनल अकाउंट्स में कि हम मिस्टेक क्या हुई है. तो फिर हम क्या करते थे, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देते थे. तो सेम वही चीज यहाँ पर भी करनी है. अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के सब कुछ फिनिश कर दिया है तो दोबारा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सिंपली पास वन एंट्री. Okay, if after all the adjustment completed, if any correction is found, अगर कोई भी correction आपको दिख रही है किसी भी entries की जो हुई नहीं है, तो फिर एक adjustment general entry pass होगी. अब जैसे वो entry क्या हो सकती है, profit and loss appropriation अगर आपने बना दिया है तो आपका या तो ये हो सकता है कि interest on capital नहीं दिया है आपने, ठीक है, ये आपको पता चला. ये आपको पता चला आपने सैलरी नहीं दी पार्टनर को, या फिर आपको ये पता चला कि आपने सैलरी कम दे दी या आपने सैलरी ज्यादा दे दी, कुछ भी केस हो सकता है. या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बाद में पता चला कि आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ली ही नहीं है. ओके, तो इनके इस ऐसे केसेस में जब भी आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आप कोई एंट्री भूल जाते हैं तो, और वो आपको एंड में पता चलता है आपकी गलती, तो उसके लिए सारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली एक एंट्री पास करेंगे. लेकिन उस एंट्री को पास कैसे करना है उसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी क्लास. ओके, सो सबसे पहली चीज है, देखो एंट्री जो है हम जो भी एंट्री में मिले, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, सैलरी हो, कमीशन हो, आप पहली चीज ये ध्यान देंगे कि क्या वो लॉस है पार्टनर के लिए या वो प्रॉफिट है पार्टनर के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर का प्रॉफिट होता है, ठीक है. तो जो चीजें पार्टनर के प्रॉफिट होती है वो क्या हो जाती है, फर्म का लॉस हो जाती है ऑटोमेटिकली. एज वी हैव डिस्कस्ड विद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पार्टनर्स के प्रोस्पेक्टिव से बनाते हैं और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम फर्म के प्रोस्पेक्टिव से बनाते हैं. तो कुछ फायदा पार्टनर्स को होता है, कुछ लॉस पार्टनर को हो जाता है, कुछ वैसे ही सेम कुछ लॉस और प्रॉफिट आपके फर्म को हो जाता है. तो जहां पे भी आपका फर्म का लॉस है तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर का प्रॉफिट हो जाता है. जैसे हमने आपको बताया कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा क्रेडिट में आते हैं और जितने भी आपके लॉसेस हैं वो आपके डेबिट में आते हैं. पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम पार्टनर के लॉस, पार्टनर का प्रॉफिट लेके चलते हैं. तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर को लॉस होगा तो डेबिट में जाएगा. अगर हम आपका सॉरी ये तो हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम फर्म का प्रोस्पेक्टिव लेके चलते हैं, ठीक है. पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात करें तो हम फर्म का प्रोस्पेक्टिव लेके चलेंगे. फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा, फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो आपका डेबिट में जाएगा. लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर को लेके चलते हैं, ठीक है. तो पार्टनर का प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, पार्टनर का लॉस हुआ तो डेबिट. अब यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है फर्म को, जब फर्म को लॉस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनर का प्रॉफिट है. क्योंकि फर्म को लॉस कब होता है, अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनसे ले रहा है फर्म, तो फर्म का प्रॉफिट है, ठीक है. लेकिन पार्टनर का क्या है, वो लॉस हो गया. क्लियर? सो ये चीजें आपको इसमें ध्यान देनी है. अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो है जो भी फर्म का लॉस होगा वो क्या होगा, डेबिट साइड में आएगा फर्म के. ये चीज ध्यान में रखनी है. अगर वो लॉस आपका पार्टनर का भी होगा तो भी वो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन पार्टनर के डेबिट साइड में आएगा वो. अभी हम बात कर रहे हैं कि फर्म का लॉस हुआ है. ओके, फर्म का लॉस हुआ है तो फर्म के डेबिट साइड में दिखा दो, और क्योंकि फर्म का लॉस है तो पार्टनर का ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो गया, तो पार्टनर के किस साइड में दिखाओगे, क्रेडिट साइड में. एंड द वाइस वर्सा, अगर लॉस की जगह फर्म को प्रॉफिट हो जाता है तो फर्म के फिर डेबिट में नहीं, क्रेडिट साइड में दिखा दोगे. और क्योंकि फर्म का प्रॉफिट है तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स का लॉस हो गया,
और पार्टनर का लॉस है तो पार्टनर्स के साइड में आप उसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। आगे के जो दो पॉइंट्स है उसको समझने से पहले हम एक फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर लेते हैं और उस फॉर्मेट के जरिए फिर एक क्वेश्चन जब करेंगे तब हम इन दो पॉइंट्स को समझेंगे। देखो ये है एक एनालिटिकल टेबल। इस टेबल के जरिए आपकी जो जर्नल एंट्री होती है ना, एक जर्नल एंट्री होगी और वो एक जर्नल एंट्री आप इस टेबल से पता लगाते हैं। इस टेबल में करना क्या है, सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे आप पर्टिकुलर्स लिखा, आपके तीन पार्ट आपके दो पार्टनर्स है एक्स वाई, ठीक है। हेयर जेड इज योर फर्म, दिस इज नॉट जेड, दिस इज फर्म, क्लियर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स एक पार्टनर है, वाई एक पार्टनर है, तो एक्स के दो, एक तो डेबिट कर दिया और एक क्रेडिट कर दिया। अगर एक्स जो पार्टनर है उसका कोई भी प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट में दिखा देंगे, अगर एक्स पार्टनर के कोई भी लॉस होगा तो हम उसके डेबिट में दिखा देंगे, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट वैसे ही सेम वाई का होगा, वाई को अगर लॉस हुआ तो डेबिट कर दो, वाई को अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट कर दो। सेम आप फर्म का भी करोगे, फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दोगे, फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट कर दोगे। तो आप क्या करोगे, बस वो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे लिखना है डेबिट और क्रेडिट के केस में। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस टेबल। अब जब आपने ये टेबल बना लिया ना, उस टेबल के बाद इस टेबल से निकलता हुआ जो एक अमाउंट आता है बैलेंसिंग का, उसकी हमें जर्नल एंट्री करती है, जो करनी पड़ती है, जो हमें क्वेश्चन के जरिए समझेंगे।